गाजा में इसराइल का ग्राउंड ऑपरेशन तेज हो गया है। इसराइल से गाजा जाते हुए सैनिक दिखाई दिए हैं। गाजा में इसराइली सेना टैंक के साथ घुसी है। टीवी 9 के कैमरे में इसराइली सेना का एक्शन कैद हो गया। सैकड़ों की संख्या में इसराइली सैनिकों का मूवमेंट दिखाई दे रहा है और ये सब नॉर्थ गाजा की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आप देख रहे हैं कितने सारे टैंक्स एक साथ नजर आ रहे हैं। ये पूरी युद्ध भूमि है, ओपन फील्ड है जिसमें टैंक्स नजर आ रहे हैं और ये टीवी 9 के कैमरे में कैद हुआ है। जिस ओपन फील्ड से होकर गुजर रहे हैं वो गाजा में दाखिल होने की कोशिश हो रही है और ये बताता है कि इसराइल की जो ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी है वो कितनी भीषण है। इसराइल रुकने वाला नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है इस मूवमेंट के साथ कि हमास के खात्मे तक वो रुकेगा नहीं। तो आखिरकार गाजा में आईडीएफ आ चुकी, यानी इसराइल डिफेंस फोर्स गाजा की तरफ जाते देखे इजरायली टैंक। आपको बिग वॉल के जरिए और वॉल और वीडियोस दिखाते हैं। कई दूसरे सैन्य वाहन भी गाजा में जाते हुए दिख रहे हैं। ये जो काफिला है ये बताता है सैनिक भी हैं, टैंक्स भी हैं। और सुमित, मैं चाहूंगी आप इन तस्वीरों को और ज्यादा एलाबरेट करें। ये टैंक्स की जो लंबी कतार हम देख रहे हैं ये बता रही है कि कितनी बड़ी तैयारी होगी इजराइल डिफेंस फोर्स। बिल्कुल, अभी मैं आपको बताऊं, ये सेकंड फेज का ऑपरेशन चल रहा। फर्स्ट फेज में मोबिलाइजेशन किया गया था, मैसिव मोबिलाइजेशन था। ये सारे इलाके जो हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं ये वो बैकअप टीम्स हैं जो सेड्रॉट हो, आपका बेरे हो या फिर किबूस, इन इलाकों में लगातार ग्राउंडेड ऑपरेशन को अंजाम दे रही है। एक टीम ने लगातार इन इलाकों में गाजा में एंट्रेंस किया है, अपने मोर्चे बनाए और दूसरी टीम उनको बैकअप के लिए पीछे से सामान ला रही है। और अब अगर आप देख रहे हो पिछले दो दिनों में निधि, ये अगर आप देख रहे हैं इसमें ना सिर्फ आपके इनके पास आर्मर्ड व्हीकल्स हैं यानी एएमयू जिसमें 10 से 12 सोल्जर्स ला सकते हैं, देखिए सारे आर्मर्ड व्हीकल्स हैं। इसके अलावा टैंक्स हैं इनके पास, मार्क 4 मार्क 3 टैंक्स हैं। इसके अलावा आर्टिलरी गन्स हैं और कई ऐसी जगहों पर इन्होंने आर्मर्ड बुलडोजर का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे इलाकों में जब आप जाते हैं, हमास के पास लंबा समय था, अनुभव था, माइंस लगा रखी होंगी उन इलाकों में, तो उन माइंस को हटाने के लिए इन आर्मर्ड बुलडोजर्स का इस्तेमाल किया जाता है। सुमित, आप पूरा देश की नजर इस वक्त आप पे है, आप 20 दिन वहां पर गुजार के रहे, बहुत मुश्किल रिपोर्टिंग थी हम समझ सकते हैं, लेकिन आपने हर एक तस्वीर बखान की, क्या इस तरह का मूवमेंट पहले भी देखने को मिला 20 दिनों में? देखिए बिल्कुल ऐसा मूवमेंट पहले दिन से, मैं आपको बताऊं कि मैं 8 तारीख को वहां पहुंचा था, 7 तारीख को जब भी चीजें हुई थी उसके बाद से सबसे पहला इन्होंने काम किया था उन इलाकों को लगातार साफ करना, सैनिटाइज करना। सैनिटाइज मतलब कि सारी जो फोर्सेस थी इवैक्यूएट से ज्यादा वहां पर टेररिस्ट तो नहीं हमास के, वो घर जाके डोर टू डोर सर्च करना, ऑपरेशन चलाना, चाहे वो सेड्रॉट के इलाके हों, चाहे वो दूसरे इलाकों किबूस बेरी या फिर आप अलकाजा, ये सारे इलाके वो थे संवेदनशील इलाके जो बिल्कुल गाजा पट्टी के पास के विलेजेस हैं, उन इलाकों को पूरे तरीके से अपने कैप्चर में करना, कॉर्डन करना। पहले वो ऑपरेशन किए गए, फिर मोबिलाइजेशन की गई, फोर्सेज आई, फोर्सेज ने अपने मोर्चे बनाए। और मैं आपको ये बता दूं कि अब ये सारे रेजिडेंशियल गांव यानी जो विलेजेस हैं आखिरी गाजा पट्टी पर, अब ये कमांड एंड कंट्रोल सेंटर हो चुके हैं इजराइल फोर्सेज के सब लोगों। ये नॉर्थ गाजा, ये जो मूवमेंट है ये नॉर्थ गाजा का टिप है, ये नॉर्थ गाजा का टिप है और ये साउथ इजराइल का वो पार्ट्स हैं जिनको अब वॉर जोन में तब्दील कर दिया गया है। ये सारे इलाके अगर आप जो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं ये समय वॉर जोन के ही इलाके हैं जहां पर कमांड टैंक्स भी हैं, इसमें आर्मर्ड व्हीकल्स भी हैं, इसके अंदर बुलडोजर्स भी हैं, इसके अंदर उनके पास आर्टिलरी गन्स का भी मूवमेंट किया जा रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि स्पेशल फोर्सेज की टीम जिनके साथ मैं भी आईडीएफ की टीम के साथ मौजूद था, इन्होंने इन बेसिस को अपने बैकअप टीम्स के तौर पर क्रिएट कर लिया। देखिए अभी अगर आप देखें ऑपरेशन बदल चुका है, हर 24 घंटे में स्ट्रैटेजीज को बदला जाता है, उनको इंप्लीमेंट किया जाता है और ये टेस्ट किया जाता है कि आखिरकार अगर हम इन इलाकों में घुसेंगे तो हमारे को कितनी कैजुअल्टी होगी। तो सुमित, अगर प्रिसाइजली पूछें तो 22वें दिन युद्ध में अभी इसराइल की स्ट्रैटेजी क्या है? अंदर जाकर वार करना? नहीं, अभी उनकी स्ट्रैटेजी है टेस्ट करना, वाटर टेस्टिंग। यानी अभी देखिए वो गाजा पे उन्होंने मोर्चे तो बना लिए, अपने बैकअप टीम को भी क्रिएट कर दिया, अपने आर्म्स एंड एम्युनिशंस को भी क्रिएट कर दिया है, अमेरिका भी उनको सपोर्ट कर रहा है, इंटेलिजेंस शेयर हो रहा है, लेकिन अब देखना है कि कौन कौन से इलाकों से। आप अगर दो दिन में देखें तो हर दूसरे दिन में एक टुकड़ी जाती है, ऑपरेशन करती है, वापस अपने कमांड सेंटर में आ जाती है। वो इसलिए क्योंकि वो उन इलाकों को खोलना चाहते हैं, उन इलाकों को सिक्योर करना चाहते हैं ताकि जब फोर्सेस अंदर घुसे तो उनको कैजुअल्टी ना हो।